नमस्कार, मैं आप सभी युवाओं से एक अपील करना चाहूँगा कि जब आप गवर्नेंस की बात करते हैं, आप अपने कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में कई तरह के सब्जेक्ट पढ़कर आते हैं, पढ़कर तो आ जाते हैं, पर ज़मीनी हकीकत और वो जो पढ़कर हम आते हैं, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है, क्योंकि लोगों की मनस्थितियाँ और परिस्थितियाँ, इनका तालमेल नहीं बैठ पाता। इसीलिए कई बार मैं ये भी देखा हूँ कि कई लोग होते हैं जो अनपढ़ होते हैं, पर दुनिया की पाठशाला में ठोकरे खाकर जो सीखे होते हैं, वो कई ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। और पढ़ लिख करके कई ऐसे युवा होते हैं जो नौकरी करते रह जाते हैं। तब मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसा क्यों हुआ। तब देखने में आता है कि ज़मीनी हकीकत से पढ़ लिख करके हम कभी कभी अनजान भी रह जाते हैं, जब हम एक गवर्नेंस की बात करते हैं और उसको गुड गवर्नेंस में हमें परिवर्तित करना हो, तो मुझे लगता है पढ़ाई के साथ साथ हमें ज़मीनी अनुभव भी बहुत आवश्यक है। जो एमपी बने होते हैं, जो एमएलए बने होते हैं या निगम पार्षद बने होते हैं, ये एक ज़मीन के लोगों के साथ जुड़कर परिस्थितियों से संघर्ष करके बने होते हैं। और जब आप इनके अनुभवों को भी साझा करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनको समझते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, क्या गलत है क्या सही है, इसका अनुभव जब होता है फील्ड में, जब थोड़ा बहुत काम करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पढ़ाई है आपकी, उस पढ़ाई का भी जो लाभ आपको मिलना चाहिए, वो सोने पे सुहागा जैसा हो सकता है, अगर आप सीधे सीधे गवर्नेंस के लिए कोई इंटर्नशिप करें, किसी एमपी एमएलए और किसी नेता के साथ जुड़कर ये काम करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ एक इंटर्नशिप जैसा गवर्नेंस के लिए, विषय को और गहराई से समझने के लिए आप अगर ये अनुभव करेंगे, तो आप बहुत अच्छा अपने जीवन में अपने करियर को बना पाएंगे। नहीं तो वही हुआ, तैराकी की बुक को पढ़ लिया पर जब पानी में कूदे तो तैरना ही नहीं आया। ऐसा ना हो, इसलिए आपसे अपील करता हूँ कि जो भी आप गवर्नेंस के बारे में समझना या आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने करियर को बनाना चाहते हैं, तो आप ऐसे प्रोग्राम को ज़रूर अटेंड कीजिए जो आपके सामने लाया जा रहा है। विजन इंडिया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।